अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। राजधानी पटना की धरती पर पहुंच गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा। पटना पहुंचते ही उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है, बयान सुनवाएंगे हम आपको किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम बिहार आए हैं और बिहार में अब बहार आएगा। वही सवाल उनसे पूछा गया कि आप अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आरजेडी ने यह साफ कह दिया है, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। और जिस प्रकार से बिहारवासी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, इस तरह की बातें भी उनसे कही गई। उन्होंने कहा कि आ गए हैं हम, अब तैयारी शुरू करो। धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार पटना एयरपोर्ट पर जब बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम कोई राजनेता नहीं हैं। जिस तरीके से बिहार में सियासत हो रहा था इनको लेकर, तो ये बातें कही जा रही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार आएंगे तो काफ़ी जो है हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम पटना की धरती पर आए हैं, बिहार हमारी आत्मा है। और जिस तरीके से आज हम राजधानी पटना पहुंचे हैं, तो तमाम लोगों को उन्होंने कहा है कि तैयारियां शुरू करो, अब हम आ गए हैं। ये बातें धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं सिर्फ हिंदू हिंदू करता हूँ। ये बयान धीरेन्द्र शास्त्री का है। तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से बातें कही और जो अन्य नेता, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मुसलमान की बात होगी तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी ने बाबा को आने से मना नहीं किया है। बाबा जहां भी जाएं अपना प्रचार प्रसार करें अपने धर्म का। और तमाम जो लोगों का ये बयान था, बाबा पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे भी, उनका ज़ोरदार स्वागत भी किया गया। तमाम लोगों ने जो है बाबा का पुरजोर स्वागत किया। खुद ड्राइवर बने थे मनोज तिवारी, जो कि सांसद हैं, वो खुद उनकी गाड़ी को चलाकर उन्हें एयरपोर्ट से ले गए। और जो तस्वीरें जो बातें कही गई है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनके तरफ से, वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। जरा ये बयान सुनिएगा। और जिस तरीके से बिहार में जो बातें कही जा रही है कि बाबा आए हैं हिंदू मुसलमान होगा, अब आज से देखना होगा कि क्या वाकई में ही बिहार का माहौल ख़राब होगा क्या। क्योंकि जो तस्वीरें जो बातें जिस तरीके की तैयारियां चल रही थी, तो उसके तस्वीरें क्या होंगी, ये तो आज से जो शुरू होगा हनुमत कथा, तो उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। 15 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, उस दिन भी काफ़ी भीड़ रहेगी। नौबतपुर में पूरी तैयारी की गई है, वहाँ पर मंच बनाए गए हैं और पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं खुलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि जो गाड़ी चला रहे थे बागेश्वर धाम के बाबा के, वो मनोज तिवारी ही थे। जरा तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है किस तरीके से मनोज तिवारी जो है उनकी गाड़ी को ले गए। हालांकि एक तरफ बाबा कहते हैं कि हम राजनेता नहीं हैं और दूसरी तरफ उनकी गाड़ी एक राजनेता ही चला रहे हैं। पहले बाबा का बयान सुनिए। चार चौवन सुविधा है, अनुमति है, सब साथ में कहीं कुछ है। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है। आज यहाँ विरोध हुआ बाबा, अगर बिहार में अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। धन्यवाद बाबा। अच्छा हम चले बाबा, मिलते हैं बाबा। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कल। हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो, हम आ गए। हिंदू राज्य के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही बिहार बाबा, जो राजनेता नहीं है। धन्यवाद, ठीक है चलो बाबा। यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू, हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदू की बात ही है। चलिए चलिए।